राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट मठरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मठरी हमारी बन करके तैयार होंगी मूंग की दाल से, और एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगी। मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस मठरी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें चाहिएंगी, एक तो मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल धुली हुई ली है, एक कटोरी मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, और इसको 1 से 2 घंटे के लिए हमें पानी में भिगो करके रख देना है। इतना भिगो देना है कि ताकि ये बीच में से आराम से टूट जाए। अगर आपको इंस्टेंट बनानी है तो आप इसको इंस्टेंट भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इसको गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 4 से 5 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार, और इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस करके तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पर डाल देनी है 2 हरी मिर्ची। मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आपको यहाँ पर पसंद है। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मूंग की धुली हुई दाल की जगह पर आप छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर उड़द की दाल भी ले सकते हैं। तो जो भी दाल आपको यहाँ पर पसंद है दोनों में से, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा बारीक इसको पीस करके तैयार नहीं करना है, इस तरीके से हल्का सा दरदरा पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल फाइन पीसना है तो आप इसमें से 2 चम्मच जो है साबुत दाल को इसी तरह से भीगी हुई को रख दें, और जो इसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक इस तरीके का कोई भी बड़ा बर्तन लेना है, और बड़े बर्तन में हमें दाल को निकाल करके रख लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर खड़ी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, या फिर लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर टेस्ट पसंद है वैसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है 1 कटोरी नॉर्मल गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे की जगह आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हेल्दी बना करके तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं मसाले। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है, और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं मोइन के लिए। पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है, अगर आपको लगे ज़रूरत तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि दाल के अंदर इतना मॉइस्चर है यहाँ पर कि जो आटा है वो हमारा इसी तरीके से लग करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका एक सख्त सा आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, और ना ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट रखना है। जैसा हम यहाँ पर पूरियों के लिए लगा करके तैयार करते हैं, वैसा हमें यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा खस्ता बनानी है तो आपको यहाँ पर 2 चम्मच और तेल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में 4 चम्मच यहाँ पर तेल डाला है, इससे बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगी, और बनने के थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती है ये। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारी ये मठरी बन करके तैयार होती है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अब इसको हमें रख देना है रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए, ताकि जो आटा है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो आटा यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। 1 चम्मच और हम यहाँ पर ऑयल डाल लेंगे, ताकि जो आटा है वो आपस में चिपके ना, या फिर आप इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं, बाद में हम यहाँ पर ऑयल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी एक मोटी सी लोई बना करके तैयार कर लेनी है। लोई बनाने के बाद हमें यहाँ पर इसको पतला पतला बेल करके तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर बेलते टाइम 1 चम्मच और ऑयल डाल लिया है, इससे जो है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं।
अब हमें यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कुकीज़ कटर ले लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर कुकीज़ कटर नहीं है तो आप इसकी जगह किसी भी बोतल का ढक्कन या फिर आप किसी भी डब्बी का ढक्कन ले सकते हैं, जो कैप आती है उसके ऊपर उसको आप इस तरीके से रख करके कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कुकीज़ कटर है तो आप इससे कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है। तो यहाँ पर इसको हमें पतला पतला बेल लेना है। तो अगर आप ज़्यादा पतला बेलेंगे तो और भी ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होंगी। जिसको कुरकुरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा पतला बेलें। अगर आपको यहाँ पर जैसे बाज़ार में मटरी मिलती है उस तरीके की पसंद है तो आप यहाँ पर इस तरीके से मीडियम बेल सकते हैं। इससे भी एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बेल लिया है और आप देख सकते हैं बीच बीच में जो दाल है वो हमारी आ रही है। तो इस तरीके से जब हम इसको खाएँगे तो बीच बीच में जब मुँह में आएगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से कांटा लेना है और इस तरीके से बीच में हमें होल्स कर लेने हैं। इससे जो ये फूलेगी नहीं और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होगी। तो इसी तरीके से बाकी की सभी मटरियों को हम होल करके तैयार कर लेंगे। मटरियों का साइज आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको पूरी की तरह भी बेल करके आप बना सकते हैं पतली पतली, अगर आपको ज़्यादा बड़े साइज़ की बनानी है। या फिर आप इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ की भी कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी मटरियों के अंदर अच्छे से होल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर करना है इनको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर गैस पर पहले से ही ऑयल को गर्म कर लेना है और ऑयल हमें यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हमें यहाँ पर बिल्कुल मीडियम गर्म करके तैयार करना है। अगर हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर डालेंगे तो जो हमारी मटरियाँ हैं अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल जाएंगी, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब सभी मटरियों को एक एक करके हमें डालते जाना है और जितनी एक बारी में आ जाएगी उतनी हमें यहाँ पर रखनी है। ज़्यादा हमें यहाँ पर ओवर नहीं डालनी है, कम डालेंगे तो ये अच्छे से सीख करके तैयार होंगी। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें इसको डाल करके छोड़ देना है और जब एक तरफ से अच्छे से सीख करके तैयार हो जाएगी तो हमें इसको पलट देना है और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हमें यहाँ पर इसको सेक लेना है। तो एक बारी की मटरियों को हमें यहाँ पर सेकने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में बहुत ही बढ़िया सीख करके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको सेकना है, ज़्यादा हमें यहाँ पर इसको काला नहीं करना है। जब ये इस तरीके से हल्की सी बादामी हो जाएगी तो हमें यहाँ पर इसको निकाल लेना है। अब इसी तरीके से बाकी की सभी मटरियों को हमें सेक करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 बैच में इनको बना करके तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मटरियों को बना करके तैयार कर लिया है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बनते बनते बच्चों ने ये बहुत सारी खा भी लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई है, एकदम खस्ता। और आप इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं या फिर आपको कहीं घूमने जाना है तो भी आप इसको बना करके ले जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। जो इसके अंदर हमने मसाला डाला है बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको चाय के साथ खाएँ, सुबह के नाश्ते में खाएँ या फिर आप शाम के नाश्ते में खाएँ। जब भी अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उनके लिए भी इनको बना करके खिला सकते हैं। बच्चे हों बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।